नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीओ रोदाली के नेतृत्व में वाहन चालकों को वितरण किया गया हेलमेट। दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चालकों को किया जागरूक। उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी रोदाली सत्येंद्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में आशीर्वाद पेट्रोल पंप भेलसर में दो पहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरण कर एक नई पहल की शुरुआत की गई। हेलमेट वितरण के बाद सीओ रोदाली ने कहा कि बिना हेलमेट के बहुत सारे दो पहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। डीआईजी एसएसपी मुनिराज जी द्वारा पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। उसी सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 25 दो पहिया वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरण किया गया। हेलमेट वितरण के पश्चात वाहन चालकों ने शपथ लेते हुए कहा कि सभी लोग बिना हेलमेट के हम नहीं चलेंगे। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक रोदाली देवेंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज भेलसर त्रिवेश त्रिवेदी, चौकी प्रभारी सोजागंज विनय यादव, कांस्टेबल राम किशुन मोहम्मद ताहिर खान, अनुज कुमार यादव सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान रहे मौजूद। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं में ये देखा गया है कि जो बाइक सवार हैं उसमें से बहुत सारी दुर्घटनाओं में ऐसे लोगों ने अपनी जान गंवाई जो हेलमेट नहीं लगाए थे। अगर वो हेलमेट लगाते तो उनकी जान बच जाती। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा और जिले के उच्च अधिकारी गणों द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि पेट्रोल पंपों के सहयोग से भी ये बात कही गई है कि अगर कोई हेलमेट नहीं देगा तो हम उसे पेट्रोल नहीं देंगे। लोगों में इसी जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए आज रुदौली में आशीर्वाद पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने ऐसे लोगों को चयनित किया जो हेलमेट किन्हीं कारणों से नहीं लगाए थे या जो हेलमेट नहीं ले पाए थे। उनको ये संदेश दिया गया कि वह जब भी घर से निकलेंगे हेलमेट लगा कर निकलेंगे और इसी जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज ऐसे सभी लोगों को हेलमेट वितरित किया गया है और लोगों में इस जन जागरूकता का प्रसार किया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों से भी कहा गया है कि बिना हेलमेट लगाए व्यक्तियों को वे तेल देने से इनकार करें और उन्हें हेलमेट लगाकर आने के लिए कहें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।